السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. शेख, अगर किसी खातून को मतलब खातून का रिश्ता कहीं फिक्स हो गया, यानी मंगनी वगैरह भी हो गई है, लेकिन उसके बाद कोई और उसके रिश्तेदार में से उसे उससे भी अच्छा रिश्ता ला कर देता है, तो ऐसा करना कैसे है शेख? सवाल थोड़ा सा वाजे नहीं हो पाया। किसी खातून का रिश्ता तय हो गया है, मंगनी हो गई है, उसके बाद क्या? उनके कोई रिश्तेदार उससे अच्छा रिश्ता उनके लिए पेश करे। जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल ये है कि किसी खातून का रिश्ता तय हो गया है, मंगनी वगैरह हो गई है, उसके बाद कोई आदमी आकर के उस लड़की का, उस खातून का कोई और रिश्ता पेश करे, तो इसका क्या हुक्म है हमारी शरीयत में? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खितबा अलल खितबा से मना फरमाया है। खितबा अलल खितबा का मतलब ये है कि किसी खातून का रिश्ता तय हो गया है, उसकी मंगनी हो गई है, सारे मामला तय हो गए हैं, उसके बाद कोई दूसरा आदमी दरमियान में आकर के उस लड़की को शादी का, दोबारा शादी का पैगाम दे, तो ये ऐसा करना हराम है, ये जायज नहीं है। ऐसा करना सिर्फ उस सूरत में जायज है जब अभी सिर्फ बात चल रही है, बात तय नहीं हुई है। अगर बात तय नहीं हुई है तब तो कोई दूसरा आदमी आकर के भी रिश्ता पेश कर सकता है, लेकिन अगर मंगनी हो गई है, बात तय हो गई है, तो जब तक वो आदमी, पहला आदमी पीछे ना हट जाए, मना ना कर दे, तब तक किसी और के लिए जायज नहीं है कि उस लड़की का रिश्ता उसके पास भेजे। हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज हैं कि नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यख्तुबा अहदुकुम अला खितबति अखीह, अपने भाई के खितबा पर, पैगाम निकाह पर पैगाम भेजना ये ममनू है, इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। शेख, अगर जो दूसरा रिश्ता लाके दे रहे हैं वो लड़का ज्यादा दीनदार है पहले वाले से, तो क्या ऐसे ही सही रहेगा? देखिए बहन, जब तक पहली जगह पर जहां पर मंगनी हुई है, जब तक वहां से बात खत्म नहीं हो जाती है, तब तक किसी दूसरे के लिए जायज नहीं है कि वहां पर वो शादी का पैगाम भेजे। हाँ, अगर पहली जगह पर लड़की मना कर देती है, उसका वली मना कर देता है, वहां पर बात कैंसिल हो जाती है, उसके बाद कोई दूसरा पैगाम भेज सकता है। ये तो जाहिर है लड़की को इख्तियार है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जा रही है, जहां पर उसकी मंगनी हुई है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जा रही है, तब तक उसे इख्तियार है, वो मना कर सकती है। उस लड़की का वालिद या उसका जो भी वली है वो भी मना कर सकता है, लेकिन जब तक अभी बात पक्की हो गई है और मना नहीं हुआ है, तब तक किसी तीसरे आदमी के लिए जायज नहीं है दरमियान में दाखिल होना। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई और रिश्ता, उससे अच्छा रिश्ता मिल रहा है, तो आप पहली जगह पर मना कर दीजिए। आप जब पहली जगह पर मना कर देंगे तो फिर दूसरे के लिए जायज होगा कि आपको शादी का पैगाम दे। जी शेख, तो मंगनी के बाद भी मतलब ऑफर कर सकते हैं ना कि ज्यादा अच्छा मिल रहा? तो नहीं, सिर्फ ऑफर करने की यही शक्ल है कि पहली जगह से या तो रिश्ता कैंसिल हो जाए, या जो पहला पैगाम देने वाला आदमी है वो खुद इजाजत दे दे, या वो खुद पीछे हट जाए, बहरहाल वहां से मामला खत्म हो जाए, तभी किसी दूसरे आदमी को ये इजाजत है कि दरमियान में वो शादी का नए सिरे से पैगाम दे। जी, उनका पैगाम लाना ही दुरुस्त नहीं है। ये बताया कि उनका पैगाम लाना ही आपके लिए दुरुस्त नहीं है।